Hey there, what's up guys? मैं हूं maqniyazi और आज के इस Technovationz के फोर्थ एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ जो कि है वू से रिलेटेड। वू ने अपने दो स्मार्ट टेलीविजन को लॉन्च कर दिया है, एक है द पॉप स्मार्ट सीरीज और दूसरी है ऑफिस स्मार्ट। तो जो पॉप स्मार्ट सीरीज है उसकी स्टार्टिंग होती है 22,000 से और जो जाती है लगभग 44,500 रुपए तक। और इसमें तीन वेरिएंट है, 32 इंच का टेलीविजन है जो 22,000 का मिलेगा, फिर है 43 इंच का जो कि मिलेगा 37,900 रुपए का, और एक है 49 इंच का 49 इंचेस का जो कि मिलेगा 44,500 रुपीस का। और जो ऑफिस स्मार्ट टेलीविजन है उसकी खास बात यह है कि इन्होंने इसमें इनबिल्ट एमएस ऑफिस एप्लीकेशन दी हुई है और आपको इसमें मिलती है 32 GB की इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट न्यूज एयरटेल से रिलेटेड है। एयरटेल अब इंडिया का सेकेंड ऐसा नेटवर्क बन गया है जिसने 4G LTE सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने अभी सर्विसेज लॉन्च करी हैं मुंबई में, इसके बाद ये और मेट्रो सिटीज में भी लॉन्च करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में ये लॉन्च करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट न्यूज है नोकिया से रिलेटेड। नोकिया अपना Nokia 8 हैंडसेट ग्लोबली इस वीक लॉन्च करने वाला है और आने वाले दो हफ्तों के अंदर वो यूएसए में इस डिवाइस को लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट न्यूज है OnePlus से रिलेटेड। OnePlus अपना एक लेटेस्ट एडिशन का OnePlus 5 फोन लॉन्च करने वाला है 19 सितंबर को पेरिस में। जैसे कि इन्होंने पिछले साल एक फोन लॉन्च किया था, तो देखते हैं कौन सा ये फोन लॉन्च करने वाले हैं, कौन सा स्पेशल एडिशन लॉन्च करने वाले हैं OnePlus 5 का। नेक्स्ट न्यूज है Xiaomi से रिलेटेड। Xiaomi अपना एक फिटनेस प्रोडक्ट बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है और ये प्रोडक्ट होगा ऋतिक रोशन की कंपनी से कुछ टाई अप है, ऐसा जो इन्होंने टीजर दिया है उसमें ये शो हो रहा है, क्योंकि इस टीजर में इन्होंने HR और X को हाईलाइट किया हुआ है और HRX ऋतिक की कंपनी है। अब यहाँ पे उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि शायद वो मी बैंड 3 होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। वो इस वजह से क्योंकि Xiaomi अपने वही प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करता है जिनको वो पहले चाइना में लॉन्च कर चुका होता है, और Xiaomi ने मी बैंड 3 अब तक चाइना में लॉन्च नहीं किया है, तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है कि मी बैंड 3 को वो यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा रूमर ये भी है कि शायद Xiaomi यहाँ पे अपना स्मार्ट शूज़ जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं, तो देखते हैं कि Xiaomi क्या लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन ने अपना एक लेटेस्ट हैंडसेट इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कार्बन K9 स्मार्ट ग्रांड। इस फोन की स्क्रीन रहेगी 5.2 इंचेस, 1 GB की रैम मिलेगी, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, एंड्रॉइड नूगट 7.0 मिलेगा, 2300 की बैटरी मिलेगी, 8 MP रियर और 5 MP फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिलेगा, और ये फोन आपको मिलेगा दो कलर्स में जो कि हैं ब्लैक और शैम्पेन। जब से Xiaomi ने अपना एक नया फोन Mi A1 Android 1 प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, तब से बहुत सारी कंपनीज के रूमर्स आ रहे हैं कि वो Android 1 प्रोजेक्ट के साथ अपने फोन्स को लॉन्च करने वाली हैं। लेटेस्ट रूमर Motorola से रिलेटेड है कि Motorola X4 शायद Android 1 के साथ आने वाला है, और अब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो कि आया है वो ये कि HTC अपना नया डिवाइस Android 1 के साथ लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा HTC U11 लाइफ। नेक्स्ट न्यूज है शार्प से रिलेटेड। शार्प बहुत जल्दी इंडिया में अपना एक हैंडसेट लॉन्च करने वाला है जिसको वो दो वेरिएंट्स में लॉन्च करेगा। एक होगा स्नैपड्रैगन 630 पे बेस्ड और एक होगा स्नैपड्रैगन 660 पे बेस्ड। तो जो 660 पे बेस्ड होगा वो उसका हाई एंड वेरिएंट होगा, और जो 630 वाला है उसमें आपको मिलेगी 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी। प्राइस रहेगी 2499 युआन जो कि चाइना में लॉन्च किया गया था, तब की इसकी प्राइस है। और जो इसका हायर वेरियंट है उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल मेमोरी, और जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था 3499 युआन में, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो पड़ता है लगभग 33,000 का। इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डुअल रियर कैमराज आपको इसमें मिलेंगे 12 MP और 8 MP का, जिसका अपर्चर है 1.75 micron, और ये वर्टिकली प्लेस्ड रहेंगे पीछे की तरफ। स्क्रीन इसमें आपको मिलेगी 5.5 इंचेस की जिसका के रेजोल्यूशन होगा 2040x1080p, और जिसमें आपको मिलेगी 550 nits की ब्राइटनेस। फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का मिलेगा। ये चार कलर्स में आपको अवेलेबल होंगे, ब्लैक, वाइट, ब्लू, मिंट ब्लू। बैटरी आपको इसमें मिलेगी 3020 mAh की, 5V पर 2A का चार्जर मिलेगा, और साथ ही साथ USB-C का पोर्ट इसमें मिलेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज है इंटेक्स से रिलेटेड। इंटेक्स ने अपने दो हैंडसेट को इंडिया में लॉन्च किया है जिनका नाम है इंटेक्स एक्वा 5.5 VR प्लस और इंटेक्स एक्वा 5.5 VR। ये दोनों ही फोन आपको VR हेडसेट के साथ मिलेंगे,
और इनकी फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंटेक्स एक्वा 5.5 वीआर प्लस हैंडसेट है, इसकी कीमत है 5799, जो कि आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे। इसकी फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें 5.5 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी, 2GB की रैम है, 16GB की इंटरनल मेमोरी है, 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, 2800 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलेगी, मीडिया टेक का 1.25 GHz का प्रोसेसर मिलेगा और एंड्रॉयड नूगट 7.0 पे बेस्ड होगा ये फ़ोन और आपको मिलेगा शैम्पेन कलर में। अब बात करते हैं इंटेक्स एक्वा 5.5 VR के बारे में, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको मिलेगा मीडिया टेक का 6737 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही घटिया आउटडेटेड प्रोसेसर है। 1GB की रैम मिलेगी, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, बाकी फीचर्स उसी की तरह सेम है VR प्लस की तरह। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक मोबाइल कंपनी से रिलेटेड, जिसका नाम है इनफोकस, और उसने अपने दो हैंडसेट को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है स्नैप 4 और टर्बो 5 प्लस। स्नैप 4 की स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है, इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड नूगट 7.0, मीडिया टेक का 6750 प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर है, 4 कोर होंगे 1.5 GHz के, बाकी के 4 कोर होंगे 1 GHz के। साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है वो 7.9 mm की होगी और इसमें आपको मिलेगी 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी, 3000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलेगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और कीमत इसकी रहेगी 11,999 रुपये। अब बात कर लेते हैं इनफोकस टर्बो 5 प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको मिलेगी 5.5 इंचेस की 720p स्क्रीन, IPS स्क्रीन होगी, 3GB रैम, 32GB की इंटरनल मेमोरी होगी, एंड्रॉयड 7.0 नूगट पे होगा और इसमें जो प्रोसेसर है सेम स्नैप 4 की तरह ही है, मीडिया टेक का 6750 और इसमें बैटरी आपको मिलेगी 4950 mAh की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कीमत रहेगी इसकी 8,999 रुपये और आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये अमेज़ॉन पे 21 सितंबर ऑनवर्ड से और स्नैप 4 आपको मिलेगा 23 सितंबर से। नेक्स्ट न्यूज़ है हुआवे से रिलेटेड। हुआवे ने अपनी स्मार्ट वॉच की सेकंड सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि रहेंगी अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव। दो मॉडल को लॉन्च किया है, एक स्पोर्ट्स और एक क्लासिक। स्पोर्ट्स के अगेन दो मॉडल्स हैं, एक बेस और एक हायर वेरिएंट। तो जो बेस मॉडल है उसकी कीमत रहेगी 20,999, हायर वेरिएंट की कीमत रहेगी 29,999, जो क्लासिक मॉडल है उसकी कीमत रहेगी 25,999। इसमें आपको डिफरेंस ये मिलेगा, जो हायर वेरिएंट है स्पोर्ट्स वाला उसमें आपको सेलुलर कनेक्टिविटी मिलेगी, बाकी फीचर्स सब में सेम है। फीचर्स के बारे में आपको बता दूं, इसमें आपको 420 mAh की बैटरी मिलेगी, स्नैपड्रैगन का 2100 प्रोसेसर मिलेगा, 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसमें से आपको 2.3GB अवेलेबल मिलेगी, GPS, ब्लूटूथ, NFC और वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगी, हर्ट रेट सेंसर भी इसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है एप्पल से रिलेटेड। एप्पल ने अपने जो रिसेंटली आईफोन्स लॉन्च करे हैं परसों, उनको वो इंडिया में लेके आने वाला है इसी महीने सेप्टेम्बर में। 22 सितंबर से इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 29 सितंबर से और ये रहेंगे फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव। जो आईफोन 8 है इसके दो मॉडल हैं, 64GB वाला और 256GB वाला। तो जो 64GB वाला है इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 64,000 और जो 256GB वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइस होगी 77,000 और जो आईफोन 8 प्लस का 64GB वाला मॉडल होगा उसकी कीमत रहेगी 73,000 और 256GB वाला जो मॉडल होगा उसकी कीमत रहेगी 86,000। और जो इनका हायर वेरिएंट है इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 27 अक्टूबर से और आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा 2nd ऑफ नवंबर से। और इसकी जो बेस वेरिएंट है यानी कि 64GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 89,000 का और जो 256GB वाला वेरिएंट होगा उसकी कीमत रहेगी 1,02,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो ये थी आज की न्यूज़ टेक वाली और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होंगी और अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है maqniyazi और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे भी। और मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, न्यूज़ अपडेट्स लाता रहूँगा और यहाँ पे मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलिए आप मुझसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। I know